अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये दरबार है हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह का। यहाँ मुझ गुनहगार को आने का मौका मिला और ये अल्लाह के वली आराम फरमा हैं अहमदाबाद शहर के अंदर। आप लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद आप सब लोग यहाँ आए होंगे और अगर ना आए हों तो यहाँ ज़रूर हाजिरी पेश करें। तो मुझको यहाँ आने का मौका मिला और मैंने यहाँ हाजिरी पेश की और आप लोगों के लिए भी मैंने दुआ की है। तो दोस्तों, ये अल्लाह वाले हैं, इनकी बारगाह में हमको आना चाहिए। ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो आज मैं इनकी दरबार की आपको ज़ियारत करा रहा हूँ। आप ज़रूर ज़ियारत कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच करें, आपको मज़ा आएगा, बहुत खुशी मिलेगी ज़ियारत करके। और करीब में ही अल्लाह के वली की मज़ार के करीब में ही बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है जो आपकी नज़रों के सामने है, वीडियो में आप देख रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और मस्जिद के सामने ही हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। तो आप ज़ियारत करें। यहाँ एक पानी का वज़ू करने का एक वोज भी है, उसको भी देखें, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और जहाँ अल्लाह के वली होते हैं वहाँ तो बहुत सुकून मिलता है, मुझे तो बहुत सुकून मिला। हाँ, तो जहाँ अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं वहाँ सुकून मिलता है, दिल को चैन मिलता है। जब भी मौका मिले तो अल्लाह वालों की बारगाह में आ जाएं। तो शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक बारगाह है, तो यहाँ पर हमको आना चाहिए। अगर इज्जत चाहिए, अगर मर्तबा चाहिए, अगर कामयाबी चाहिए, अल्लाह की बारगाह में मकबूल बनना है तो इनकी बारगाह में आना चाहिए। कि शायर फरमाते हैं, बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन इनका, बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन इनका। ये तो फकीरों को भी शहनशाह बना देते हैं, ये फकीरों को भी शहनशाह बना देते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने तो अल्लाह की खातिर दुनिया को छोड़ दिया है, तो सारी दुनिया इनके दर पर आती है। तो दोस्तों, हमें अल्लाह वालों से मोहब्बत करनी चाहिए, इनकी बारगाह में आना चाहिए, हाजिरी पेश करनी चाहिए और यहाँ बैठना भी चाहिए, बहुत सुकून मिलता है दिल को। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप देखते रहें और ऐसे ही और खूबसूरत वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को आप, वीडियो के नीचे लाल बटन दिख रहा है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दें। तो खुदा हाफिज़, दूसरी वीडियो में मिलेंगे।